पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर बाबर आजम की जिंदगी में एक नया चैप्टर जुड़ गया है। क्रिकेट के मैदान पर बड़े बड़े गेंदबाजों को धूल चटाने वाले बल्लेबाज बाबर आजम ने अपनी चचेरी बहन के साथ सगाई कर ली है। हालांकि अपनी शानदार बल्लेबाजी के कारण हमेशा सुर्खियों में रहने वाले बाबर आजम अपनी सगाई को काफी हद तक गुप्त रखने में कामयाब रहे हैं, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उनके सभी पाकिस्तानी साथियों को भी उनकी सगाई के बारे में पता था, लेकिन इसका खुलासा किसी ने नहीं किया। हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व टेस्ट कप्तान अजहर अली ने ट्विटर पर सवाल जवाब सेशन के दौरान बाबर की शादी का जिक्र छेड़ दिया। दरअसल एक फैन ने अजहर अली से कहा कि वो बाबर आजम को क्या सलाह देना चाहेंगे। इस पर अजहर ने जवाब दिया, शादी कर ले। इसके बाद बाबर की शादी की पोल खुल गई और दुनिया को पता चल गया कि वो अपनी चचेरी बहन के साथ पहले ही सगाई कर चुके हैं। आपको बता दें, पाकिस्तान कप्तान बाबर आजम पर यौन शोषण का आरोप भी लग चुका है। हमीजा मुख्तार नाम की महिला ने आरोप लगाया था कि इस क्रिकेटर ने उनका यौन शोषण किया, जबरदस्ती गर्भपात कराया और उनसे शादी का झूठा वादा किया। महिला ने कहा था, बाबर आजम ने मुझे प्रपोज किया और मैंने उसे स्वीकार कर लिया। उस वक्त बाबर आजम ने क्रिकेट खेलना शुरू नहीं किया था। महिला के मुताबिक बाबर आजम उन्हें धोखा देते रहे और शादी के नाम पर उनका 10 साल तक यौन शोषण करते रहे। उस वक्त उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू नहीं किया था। वैसे बाबर आजम को जब से पाकिस्तानी टीम का ऑल फॉर्मेट कप्तान बनाया गया है तब से वो काफी व्यस्त है। हालांकि पाकिस्तानी टीम का काफी बिजी शेड्यूल है। पाकिस्तान को पहले PSL खेलना है, उसके तुरंत बाद 22 जून को इंग्लैंड के लिए रवाना होना है। उसके बाद पाकिस्तान को घर में इंग्लैंड के खिलाफ, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के खिलाफ खेलना है। इसके अलावा अन्य टीमों की तरह पाकिस्तान को भी T20 वर्ल्ड कप की तैयारियां करनी है। ऐसे में बाबर आजम के पास इस समय बिल्कुल भी वक्त नहीं है। वहीं 26 साल के बाबर आजम के करियर की बात करें तो पाकिस्तान के दिग्गज बल्लेबाज ने अब तक 33 टेस्ट, 80 वनडे और 54 T20 इंटरनेशनल मैचों में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया है और आए दिन उनकी तुलना भारतीय कप्तान विराट कोहली से होती है।